वो हम सबका फ़ख्र है। आज उनको नमाज के टाइम मस्जिद जैसी जगह में उनको टारगेट बनाया गया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और हमारे पेशावर जो कि फूलों का शहर मशहूर है उसको एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की जद में लपेट दिया गया है। हम आज सिर्फ और सिर्फ अपनी जो शहदा हैं उनकी आला दर्जात के लिए दुआ करते हैं। जो ज़ख्मी हैं LRH से मैं फिरकर आ रही हूँ, अस्पताल में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, खून की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और हम अपनी पुलिस की हर किस्म की मदद करने के लिए इधर आए हैं। आप इसको सिक्योरिटी लेस जिस इलाके में ये अटैक हुआ है यहाँ पे आम इंसान नहीं आ सकता। आप जो भी लोग पेशावर में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे आपको 3-4 दफ़ा गाड़ी चेक करानी पड़ती है या मोटर बाइक आपका चेक होता है, लेकिन आज का दिन सवाल पूछने का दिन नहीं है, आज का दिन मदद करने का दिन है। आज जिन लोगों ने सारी उम्र हमारी खिदमत की है, हमारे लिए सड़कों पे खड़े हुए हैं और आज हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, हम आज उनके लिए दुआगो हैं और उनकी मदद करेंगे। कल से हम सवाल उठाएंगे और स्ट्रिक्ट तरीके से ये तफ्तीश करेंगे कि आखिरकार इतनी हसास जगह में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो। शुक्रिया।